पहाड़ के ऊपर ये लोग बच्चे लोग अकेले रहते हैं और ना तो भयभीत होते हैं, चीता हैं, कोई जंगली जानवर हैं, तो भी फिलहाल अकेले बच्चे हैं। माता पिता कहीं काम पर गए होंगे, तो ये अकेले बच्चे इन जंगलों में अकेले ही रहते हैं। और यहाँ पर एक ही फसल होती है इन पहाड़ों के ऊपर। आपको बताऊँ तो पानी की सुविधा नहीं है, तो गेहूं की फसल होती नहीं है, सिर्फ बारिश के सीज़न में ही मक्के की फसल यहाँ पर होती है। इन पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे खेत हैं, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने हम हाइट के ऊपर आ चुके हैं। और ये पूरा अरावली पहाड़ी बहुत बड़ा पहाड़ है, तो काफ़ी जंगल है। और यहाँ पर मैंने मेरे साथ आए ये दोस्त अभी बता रहे थे कि यहाँ पर दो बच्चों को चीते ने काटा था, तो हम वहाँ भी जाने वाले हैं। बने रहे। राम राम जी, माता जी, राम राम जी। तो यहाँ पर माता जी हैं और चारपाई हैं, यहाँ पर खाना बनाने के लिए चूल्हा है और सोखने के लिए गेहूँ रखे हैं। और ये एक पूरे तरह से कच्चा मकान है, आप देखिए मिट्टी है और गोबर से लिपाई किया हुआ है, पूरा पत्थर से है, मजबूत घर होता है। फिलहाल अभी यहाँ पर मेरे को लगता है पीएम आवास योजना की तरह घर नहीं आया। पीएम आवास योजना के घर आया आपका? नहीं आया ना। तो ये देखिए माता जी अभी साफ सफाई कर रही हैं। इतने हाइट के ऊपर घर हैं, काफ़ी हाइट के ऊपर ये घर हैं, तो इनको ये सुविधा नहीं मिलती है और पानी की सुविधा भी काफ़ी इनको कठिनाई होती है। आप पानी कहाँ से लेके आते हो? नीचे से? तो वो आप देख रहे थे मेरे पीछे, मैं पानी पी रहा था, वहाँ नदी थी, तो वहाँ से पानी लेके आते हैं ये इतनी हाइट के ऊपर, तो काफ़ी इनको प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इसकी यहाँ का जीवन इस प्रकार है। तो ऊपर आप घर भी देख सकते हो किस प्रकार ये पॉलीथीन लगाई हुई है पूरी तरह से। और अंदर से आपको बताता हूँ, ये देखिए पलाश के पत्ते डाले हैं और इसके ऊपर पॉलीथीन है, इस प्रकार ये इनका घर का निर्माण किया हुआ है। और कपड़े रखे हैं, चारपाई हैं, और पानी रखने के लिए वो इस प्रकार बर्तन रखे हैं। ये गेमेती आदिवासी लोग हैं, गेमेती आदिवासी ना। ये देखिए ये हैं, ये गांव कौन सा है? सल्लीबेरी। अभी हम एक और यहां पर विजिट कर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर होते हुए चल रहे हैं, जो किमरों के वो आप बोल रहे थे वो चीता दो बच्चों का काटा, अभी वहां पर जा रहे हैं। वहां पे जरा आगे है वो। हाँ, तो वहां पर जा रहे हैं जो गेमेती आदिवासी लोग हैं। देखिए आप, ये पूरा पहाड़ है और हम हैं काफ़ी हाइट के ऊपर, और नीचे देखिए पूरी खाई है। तो इन जंगलों में ये भील आदिवासी, गेमेती आदिवासी, ग्रासिया आदिवासी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर इनको जानवरों का भी भयभीत होना पड़ता है, परंतु तो भी इतने जंगलों में रहते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं वहाँ पर जो दो बच्चों को चीते ने हमला किया था। तो आप देखिए किस प्रकार यहाँ का रास्ता है जाने के लिए, दुर्गम रास्ते, और न तो यहाँ पर रोड हैं और न ही सड़क हैं, ये सिर्फ पगडंडी हैं। इस पगडंडी के हम चल रहे हैं और काफ़ी हाइट के ऊपर, पूरा अरावलियों की पहाड़ी है, घनघोर जंगल हैं। अभी फिलहाल 10 बजे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं एक और घर पर विजिट करते हैं और वहाँ की रहन सहन देखते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं अरावलियों की पहाड़ियों में, चाहे मेवाड़ हो, चाहे सिरोही हो, चाहे बाली हो, सब जंगलों के भीतरी इलाकों के अंदर रहते हैं। तो हम अभी भीतरी इलाके के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर बाहर का लोग कोई आता ही नहीं है, और न तो बाथरूम की व्यवस्था रहती है, न पानी की व्यवस्था, सब
खुले में शौच करते हैं और खुले में ही स्नान करते हैं। इस प्रकार यहाँ के लोग जीते हैं। मेरे साथ खिमाराम जी आए हैं, तब मैं यहाँ पर इतने काफ़ी हाइट पहाड़ियों के ऊपर आया हूँ, वरना मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। आज आप समझ सकते हो कितना दुर्गम रास्ता है। और ये देखिए, और यहाँ पर गाय चल रही हैं इन जंगलों में, और नज़ारा देखिए आप कितना शानदार नज़ारा है। और इन पहाड़ों में छोटे छोटे खेत होते हैं, और अभी ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।